दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे 2023 में जीवित पुत्री का व्रत कब है, जिसे जितिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है, पूजा का शुभ मुहूर्त एवं पूजा विधि और व्रत पारण का समय, संतान की खुशहाली, अच्छे स्वास्थ्य, उन्नति और वंश वृद्धि के लिए जितिया व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसे जीवित पुत्री का व्रत के नाम से भी जाना जाता है। जीवित पुत्री का व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। जीवित पुत्री का व्रत में माताएं अपनी संतानों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए पूरे दिन और पूरी रात तक निर्जला उपवास रखती हैं। जितिया व्रत 2023 में कब है? साल 2023 में जितिया व्रत 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को रखा जाएगा। यह उपवास मुख्य रूप से भारत के बिहार, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। जितिया व्रत बहुत कठिन व्रत माना जाता है। इसमें व्रती को 24 घंटे का निर्जला व्रत करना होता है। इस दिन पितृपक्ष की अष्टमी तिथि का श्राद्ध किया जाता है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 6 अक्टूबर 2023 को सुबह 6:34 पर शुरू होगी। अष्टमी तिथि का समापन 7 अक्टूबर 2023 को सुबह 8:08 पर होगा। व्रत पारण समय सुबह 8:08 के बाद 7 अक्टूबर 2023 को है। जितिया पर्व 3 दिनों तक मनाया जाता है। इस पर्व की शुरुआत सप्तमी तिथि पर नहाए खाए परंपरा से होती है। इसमें स्त्रियां पवित्र नदी में स्नान के बाद पूजा का सात्विक भोग बनाती है। दूसरे दिन अष्टमी को निर्जला व्रत रखा जाता है। नौमी तिथि पर इसका पारण किया जाता है। नहाए खाए 5 अक्टूबर 2023 को है। जितिया व्रत 6 अक्टूबर 2023 को है। व्रत पारण 7 अक्टूबर 2023 को है। जितिया व्रत पूजा विधि। जीवित पुत्री का व्रत का संबंध महाभारत काल से है। जितिया व्रत के दिन स्नान के बाद स्त्रियां कुसा से बनी जीमूत वाहन भगवान की प्रतिमा के समक्ष धूप, दीप, चावल और पुष्प अर्पित कर विधि विधान से पूजा करती हैं। इसके साथ ही व्रत में गाय के गोबर और मिट्टी से चील और सियारिन की मूर्ति बनाई जाती है। पूजा करते हुए इनके माथे पर सिंदूर से टीका लगाते हैं और पूजा में जीवित पुत्री का व्रत कथा अवश्य ही सुने एवं पढ़ना चाहिए। दीप जी ने बताया जीवित पुत्री का व्रत का महत्व। जो माता आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीवित वाहन की पूजा विधि विधान से करेगी, उसकी संतान के संकटों का नाश होगा। पार्वती जी के अनुरोध पर शिव जी ने उन मृत बालकों को पुनः जीवित कर दिया। इस कारण ही इसे जीवित पुत्री का व्रत यानी जीवित संतान के लिए रखा जाने वाला व्रत है। यह व्रत वह सभी सौभाग्यवती स्त्रियां रखती हैं जिनको संतान होती है, साथ ही जिनके संतान नहीं है वे भी स्त्रियां पुत्र की कामना और पुत्री की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को प्रदोष काल यानी जब सूर्य छुप रहा हो और शाम गहराने लगे, माताएं अपनी संतान की दीर्घायु, स्वास्थ्य और संपन्नता की मनोकामना से यह व्रत करती हैं। 24 घंटे के निर्जल व्रत को खरजुतिया कहा जाता है। जीवित पुत्री का व्रत का महत्व। पार्वती जी ने एक स्थान पर स्त्रियों को विलाप करते देखा। शिव जी से उसका कारण पूछा। शिव जी ने बताया कि इन स्त्रियों के पुत्रों का निधन हो गया है, इसलिए ये विलाप कर रही है। पार्वती जी बहुत दुखी हो गई। उन्होंने कहा, हे नाथ, एक माता के लिए इससे अधिक हृदय विदारक बात क्या हो सकती है कि उसके सामने उसका पुत्र मर जाए। इससे मुक्ति का कोई तो मार्ग हो, कृपया करके बताएं। शिव जी ने कहा कि ये देवी जो विधाता द्वारा रचित है उसमें हेरफेर नहीं हो सकता, किंतु जीमूत वाहन की पूजा से माताएं अपनी संतान पर आए प्राण घाती संकटों को भी टाल सकती हैं। जो माता आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीमूत वाहन की पूजा विधि विधान से करेंगी, उनकी संतान के संकटों का नाश होगा। पार्वती जी के अनुरोध पर शिव जी ने उन मृत बालकों को पुनः जीवित कर दिया। इस कारण ही इसे जीवित पुत्रिका का व्रत कहा जाता है।
जीवित पुत्री का व्रत कथा। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमूतवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमूतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने चले गए। वन में ही जिमूतवाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जिमूतवाहन काफ़ी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के कोप से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूर की बलि का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ना रहे। जिमूतवाहन को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा, डरो मत, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा करूँगा। आज उसके स्थान पर स्वयं मैं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए पर आपका पुत्र बच जाए। इतना कहकर जिमूतवाहन ने शंखचूर के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी गई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े में ढके जिमूतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जिमूतवाहन के शरीर में मांस का बड़ा सा हिस्सा नोच लिया। इसकी पीड़ा से जिमूतवाहन की आंखों से आंसू बह निकले और वह दर्द से कहराने लगे। अपने पंजे में जकड़े प्राणी की आँखों में से आंसू और मुंह से करा सुनकर गरुड़ बड़े आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने जिमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। जिमूतवाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वो अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर भूख शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत ही प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक यह मनुष्य है जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है और एक मैं हूँ जो देवों के संरक्षण में हूँ किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जिमूतवाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा, हे उत्तम मनुष्य, मैं तुम्हारी भावना और त्याग से बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई वरदान मांग लो। राजा जिमूतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्व समर्थ हैं। यदि आप प्रसन्न हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दे दिया और नागों की बलि ना लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जिमूतवाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा सुनेगी और विधिपूर्वक व्रत का पालन करेगी उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल के आ जाएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जिमूतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान के बाद ऊपर बताई गई व्रत कथा भी सुननी चाहिए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जिमूतवाहन भगवान
भगवान शिव की माता पार्वती की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलें। आपको मेरे चैनल पर व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।